ये समझने की बात है कि दूध और दही में तो आयरन होता ही नहीं, कि रात को जब आपने बर्तन को रखा तो सीधा रखे उसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मार दीजिए, तो जब सुबह आप देखेंगे तो उस पर हल्का हल्का एक इसकी रस्ट की लेयर जमी हुई होगी, उसे फेंकिए नहीं। जब भी आप खाना बनाइए, जब हम खाने को तड़का लगाते हैं तो आप, और हर खाने के अंदर दही लेना भी अच्छा नहीं है। बच्चों में खास तौर पे अगर भूख नहीं लग रही और चिड़चिड़ापन है, जिद बहुत करने लग गया बच्चा, 100% आयरन चेक करवाइए, डेफिशिएंसी जरूर होगी। स्किन पे ग्लो नहीं रहेगा, डल स्किन होगी, बाल भी डल होंगे, थकान बहुत ज़्यादा, लाइक कुछ भी काम करने चलेंगे 10 कदम चलेंगे तो सांस चढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हाँफने लगेंगे। और फेरेटिन चेक करवाना है आपको, हीमोग्लोबिन नहीं, फेरेटिन। अनार को कहा बहुत अच्छा जाता है बट इतना बेटर नहीं है, अनार के अंदर जो आयरन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज टच करने वाला हूं, आयरन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी, कि शरीर में अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है क्यों होती है, इसको कैसे ठीक किया जाए, हमारे जो फीडिंग हैबिट्स हैं, किस तरीके के बर्तन इस्तेमाल किए जाए, किससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा टच करूंगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आयरन की जो प्रेजेंस है हमारी धरती के ऊपर, सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम। आयरन को, लोहे को अगर पानी और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें मिल जाएँ तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट या जंग या जर। ब्राउन कलर का मटेरियल आपको दिखाई देगा। बॉडी के अंदर भी, शरीर के अंदर भी आयरन और ऑक्सीजन की दोस्ती का एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, हमारे हीमोग्लोबिन में। दोस्तों, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, इस ब्लड का जो कलर रेड है वो इसी वजह से है कि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड रहता है और उसकी कोर के अंदर आयरन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं और यही आयरन के मॉलिक्यूल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़ते हैं और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आयरन की बॉडी के अंदर ज़रूरत क्या है, इसको ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में जो भी टिश्यू, जो भी चीज़, जो भी सेल्स आप देख रहे हैं, हर सेल की कैटेगरी में नीचे उसके स्टेम सेल्स रहते हैं। मान लिया स्किन है, मैंने स्किन को रब किया तो बहुत सारे सेल्स हज़ारों की संख्या में निकल के मेरी हाथ पे आ गए। इसमें बहुत ज़्यादा रब करता रहूँगा तो सेल्स निकलते रहेंगे। नाखून है तो अलग इसके स्टेम सेल्स हैं, बाल हैं तो इसके अलग हैं, आईज हैं तो इसका अलग है, कॉर्निया का अलग। सेल्स डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं ट्रिलियंस की संख्या में। जब भी स्टेम सेल मल्टीप्लाई करके आगे अपनी लाइन के सेल्स बना रहा होता है, उस प्रोसेस के दौरान आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, बहुत मामूली चाहिए होता है, बट आयरन की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। अब बॉडी ने एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि शरीर को जिंदा रखने के लिए सबसे पहली चीज़ है ऑक्सीजन की डिलीवरी। तो बॉडी बहुत लंबे समय तक, शरीर बहुत लंबे समय तक आपके सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन रखेगा, 12, 13, 14 जो भी है। लेकिन ये हो सकता है कि आपके अंदर आयरन के जो स्टोर्स हैं वो बहुत कम हो गए। जैसे कि हम फेरेटिन का टेस्ट करवाते हैं, वो हमारे आयरन स्टोर्स का टेस्ट है कि आयरन बॉडी में स्टोरेज में कितना है। अब जब हीमोग्लोबिन भी डाउन आना शुरू हो गया कि इतनी आयरन की कमी होगी कि स्टोर भी सब बॉडी ने कंज्यूम कर लिया और हीमोग्लोबिन भी 12 की बजाय 10, 8, 7 यहाँ तक आ गया और 6 पे सिचुएशन बहुत नाजुक हो जाती है। अब इसके लक्षण क्या है, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। बच्चों में खास तौर पे अगर भूख नहीं लग रही और चिड़चिड़ापन है, जिद बहुत करने लग गया बच्चा, 100% आयरन चेक करवाइए, डेफिशिएंसी ज़रूर मिलेगी। और फेरेटिन चेक करवाना है आपको, हीमोग्लोबिन नहीं, फेरेटिन। वहाँ से आयरन की डेफिशिएंसी आपको दिखाई देगी। अभी देखने में कैसे मिलेगा कि स्किन का टेक्स्चर बड़ा अजीब सा हो जाएगा, स्किन की थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी, स्किन पे ग्लो नहीं रहेगा, डल स्किन होएगी, बाल भी डल होंगे, शाइन नहीं रहेगी, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा फेरेटिन लो होगा तो। क्यों झड़ेंगे कि नीचे से जो अब स्टेम सेल्स ने नए सेल्स बनाए हैं, पैदा किए हैं, उनमें जान ही नहीं है, उनमें प्रॉपर प्रोटीन ही नहीं है क्योंकि आयरन नहीं था। स्ट्रक्चर पे हमें फ़र्क दिखाई देगा। अब स्ट्रक्चर में अब होता क्या है कि भूख कम हो जाएगी क्योंकि जो पेट के अंदर वाली जो लाइनिंग है वहाँ पे भी वो लाइनिंग भी कमज़ोर हो जाएगी, एसिडिटी रहने लग जाएगी, राइट, लूज मोशन हो सकते हैं,
थकान बहुत ज़्यादा, लाइक कुछ भी काम करने चलेंगे 10 कदम चलेंगे तो सांस चढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हाँफने लगेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं सकते, फीमेल्स में बहुत कॉमन देखने में मिलता है गांव देहात के अंदर। अब गांव देहात में एक जनरल रूल समझा जाता है कि दूध और दही बस जो खा लिया दैट्स इट, वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें पूरी होगी। और ये समझने की बात है कि दूध और दही में तो आयरन होता ही नहीं, दूध आयरन का दुश्मन है। दूध के अंदर प्रोटीन जो रहता है, केसीन जो प्रोटीन रहती है, वो आयरन को पकड़ लेती है और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो जो डाइट के अंदर, खाने के अंदर आयरन गया है, उसके साथ अगर आपने दूध मिक्स कर दिया तो वो आपके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करेगा ही करेगा। एक आदत होती है कुछ लोगों की कि खाने के साथ दूध ज़रूर पियेंगे, वो बहुत अच्छी आदत नहीं है। गैप रखिए इसके बीच में, खाने के बीच में और दूध के बीच में गैप रखिए, और गैप शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट्स का। और हर खाने के अंदर दही लेना भी अच्छा नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो अभी तक स्टडीज़ हुई हैं, उन स्टडीज़ में ये देखा गया कि जो लोग नेचर से अभी भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जैसे कि अभी भी जो ट्राइबल हमारे एरियाज़ हैं, जो बहुत पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएँ नहीं हैं, आयरन के बर्तन वो अभी भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी है ही नहीं किसी पे। सब में फेरेटिन लेवल बहुत अच्छा मिलता है, बाल उनके बहुत अच्छे मिलते हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है, और ओवरऑल उनका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, राइट? अब हमारा जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हुई, तो उससे पहले हम लोग आयरन के बर्तन ही इस्तेमाल करते थे। अब उसको जो इंडस्ट्रीज़ ने उसको गंदा बताना शुरू किया कि ये तो देखो इसमें जर लग गया, और जर अच्छा नहीं है, देखने में ठीक नहीं लग रहा, उन्होंने हमसे वो जो एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ आयरन था, नेचुरल आयरन, वो हमसे चोरी कर लिया, उसकी जगह पे हमें थमा दिया एल्युमिनियम, राइट? एक तो एल्युमिनियम की कॉस्ट ज़्यादा थी, आयरन के बर्तन से एल्युमिनियम साफ दिखाई देता है आपको, चमकता हुआ दिखाई देता है, तो उसकी सेल भी बढ़ने लगी, बट एल्युमिनियम ने ओवरऑल हमारी बॉडी को नुकसान ही पहुँचाया। इसका कोई फ़ायदा हमारे शरीर में एल्युमिनियम की ऐसा ज़रूरत ही नहीं है, हमें कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, मैंगनीज चाहिए, एल्युमिनियम का शरीर में नाम मात्र भी नहीं चाहिए। तो एल्युमिनियम के बर्तन आए, हमसे हमारा आयरन का सोर्स छिन गया। अब आगे और रिफाइन हो गया काम, अब वापस एंट्री आई स्टील की, अब स्टील भी यूजलेस है, एल्युमिनियम से कम खतरनाक है बट स्टील वैसे यूजलेस है। लाइफ ज़रूर अच्छी होती है, आपको नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, बट उसकी एज सच हमारे फूड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। एल्युमिनियम क्या है कि वो कहीं ना कहीं फूड के साथ इंटरेक्ट करके बॉडी में घुस जाता है, एंट्री कर लेता है, ये चीज़ स्टील में नहीं रहती। अब आयरन को कार्बन के साथ मिक्स कर दिया तो स्टील आ गया, अब इससे आगे अब नॉन स्टिक आ गए, नॉन स्टिक में और नेचर से हम दूर हो गए, वो हर एक चीज़ ही उसमें फिर बिल्कुल ही केमिकल की कोटिंग आ गई, सिरेमिक कोटिंग हो या टेफलॉन की कोटिंग हो, तो है तो केमिकल ही, किसी ना किसी हद तक खाने में तो ज़रूर मिक्स होता ही होगा, कुछ ना कुछ मामूली सा माइक्रोग्राम्स में से ही होता तो होगा। एक्चुअल स्टडीज़ उसके ऊपर अभी नहीं है, अभी तक उसको हार्मलेस बताया जा रहा है, क्योंकि ये कोई भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं आपको परचेज़ करने के लिए बोलते हैं, मार्केटिंग पीछे फंडा लगा होता है, उसके एडवर्टीजमेंट लगी होती है, मसला सिर्फ इतना कि उसकी कोई भी नेगेटिव चीज़ मार्केट में ना आए। अब इन्हीं लोगों ने आगे रिसर्च करके कुछ और निकालना है, तो फिर पहले वाली चीज़ को बुरा बता के नई चीज़ आपके सामने रख देंगे, तो ये चल रहा है। अब रिसेंटली बहुत अच्छी रिसर्चेज आने लगी हैं कि जो रस्ट है, आयरन का रस्ट है, आयरन ऑक्साइड जो शरीर के बाहर में जर देखने को मिलती है, उसकी जो कंजम्पशन है उससे बॉडी में कहीं किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं है, वो दैट इज़ द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ आयरन। अब मैं क्या रिकमेंड करता हूँ अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को कि जब भी आप खाना बनाइए, जब हम खाने को तड़का लगाते हैं, छोंक लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप आयरन के बर्तन में ही लगाइए। एक और चीज़ कर सकते हैं कि रात को जब आपने बर्तन को रखा तो सीधा रख के उसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मार दीजिए, तो जब सुबह आप देखेंगे तो उस पर हल्का हल्का एक इसकी रस्ट की लेयर जमी हुई होगी। उसे फेंकिए नहीं, उसी के अंदर थोड़ा और पानी डाल के अपना जो कुकिंग का प्रोसेस है वो पूरा कीजिए। अब मेरी एडवाइस क्या रहती है कि नेचर के जितना हम नज़दीक जाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। नेचर के अंदर जो बहुत अच्छा जिसमें आयरन मिलता है, उसमें अगर फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल बहुत रिच सोर्स है, राइट? अंगूर बहुत अच्छा सोर्स है, देन जो शकरकंद स्वीट पोटैटो होता है ज़मीन के नीचे जो रहता है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। अनार को कहा बहुत अच्छा जाता है बट इतना बेटर नहीं है, अनार के अंदर जो आयरन का कंटेंट है वो आपका जो स्वीट पोटैटो है या जो शकरकंद है उससे कम रहता है, राइट? नॉर्मल जो पोटैटो रहता है अपना, नॉर्मल जो आलू रहता है उसमें भी आयरन होता है, ठीक है? कुछ मात्रा तक हमारी गेहूँ में भी आयरन है, ज्वार में, जो मोटे अनाज हैं जितने
मोटे अनाज गेहूं के अलावा, उन सब में कुछ ना कुछ मात्रा आयरन की हमें मिलती है। सो मैंने मेरी रिसर्च के दौरान, मैं जो अपने पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ, आयरन के बर्तन में जब उन्होंने खाना बनाना शुरू किया और एडिशनली उसमें आंवला भी ऐड कर दिया, आंवला विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है, या नींबू उसमें निचोड़ दिया, किसी भी तरीके से उसको थोड़ा खट्टापन लेके आए, तो आयरन की जो खाने के अंदर एब्जॉर्प्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 times बढ़ गई। शुरू के कुछ दिनों में आपको महसूस होगा कि हल्का सा टेस्ट के अंदर चेंज है, बट विद टाइम आप देखोगे कि आपको उसकी एक हैबिट हो जाएगी और उसे हम इजीली अपनी डाइट का एक हिस्सा बना सकते हैं। अभी इस चीज़ पे भी रिसर्च चल रही है कि जैसे हमें सॉल्ट के अंदर, नमक के अंदर आयोडीन दिया गया, आयोडीन डाल के दिया गया ताकि जो हमारा गोइटर वाला जो डिजीज़ है, थायराइड की डिजीज़ है, उससे हमें बचाया जा सके, तो हमारे आयोडाइज्ड नमक आता है हमारे पास। हमारी रेगुलेटिंग, फूड रेगुलेटिंग एजेंसीज ने मैंडेटरी किया हुआ है कि जब भी सॉल्ट आप सेल करोगे उसमें आयोडीन डाल देना आप। सेम वे अब आयरन को आटे के साथ मिक्स करने का एक अभी चल रहा है, रिसर्च चल रही है इसके ऊपर कि अगर हम आटे के अंदर ही आयरन को मिक्स कर दें तो उसकी जो ओवरऑल हमारे समाज के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है वो बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। उससे बेटर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपना खाना ही, एक वक्त का खाना ही अगर हम आयरन वाले बर्तन में, लोहे के बर्तन में जिसमें जंग लगता हो उसमें अगर कुक करेंगे तो हमें बेनिफिट बहुत अच्छा मिल सकता है। जितना चाहे आप रस्ट उसके अंदर चला जाए आपको कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नेचर ने एक और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारे बॉडी में दिया गया है, वो है कि हमारी बॉडी केवल एक ही डिजीज़ है, हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें कि आयरन को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर कर लेती है और बाहर निकलने नहीं देती। तो आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो इस तरीके से है कि आपने कितना ही आयरन ले लिया, जितना शरीर को चाहिए बॉडी एक लिमिट तक आयरन एब्जॉर्ब करेगी, बाकी का आपके खाने के साथ ही निकल जाएगा, स्टूल्स के अंदर वो पास हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आयरन की टेबलेट लेते हैं हम, जो केमिकल फॉर्म्स हैं आयरन की, तो स्टूल का कलर ब्लैक हो जाता है, राइट? क्योंकि वो जो अनएब्जॉर्ब्ड आयरन है, जितना भी नहीं चाहिए बॉडी को, जो एक लिमिट तक ही बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, ये नहीं कि आयरन बहुत ज़्यादा दे दिया तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेचुरल फॉर्म ऑफ जो आयरन है, जो रस्ट है या जंग है, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छी होती है और इसमें कहीं कोई टॉक्सिसिटी आज तक देखने को नहीं मिली है। तो अगर आपको हेयर फॉल है, किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि आयरन की कोई डेफिशिएंसी है, तो ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिए। कम से कम 2 महीने के लिए आयरन के बर्तन में आप तड़का लगा के, छोंक लगा के आप उस खाने को खाइए, आपका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और प्लस आयरन की जो डेफिशिएंसी है नेचुरली आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल एक और देता हूँ आपको। बुज़ुर्ग लोग जो थे हमारे, सीनियर्स जो थे, ग्रैंड 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 फादर्स, उन्होंने एक आदत रखी हुई थी कि खाने के बाद गुड़ ज़रूर लेना है। अब गुड़ क्या है? गुड़ है जली हुई सुक्रोस, जली हुई चीनी, जिसे कि लोहे के बड़े बड़े कड़ाहों में बहुत देर तक बॉयल किया गया। अब गन्ने में आयरन नहीं होता, गन्ने में आयरन नहीं होता, गन्ने से ही आपकी चीनी बनती है, गन्ने से ही गुड़ बनता है, बट गन्ने में आयरन नहीं होता। गुड़ में आयरन, आपका जो बर्तन है जिस बर्तन के अंदर हम तैयार करते हैं वहाँ से गुड़ के अंदर आयरन आ जाता है, और गुड़ को बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है आयरन का, राइट? तो जो मैं बात कह रहा हूँ कि आयरन के बर्तन में अगर आप खाना बनाते हैं तो आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाएगी, ये बात साबित करती है कि गुड़ जो है वो भी आयरन के, लोहे के बर्तन में ही बन के तैयार हुआ है, ठीक है जी। और गुड़ आप कितना ही खा लें, कैसे ही खा लें, खैर अभी तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि आप इतने से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते, आपको डर हो जाएगा कैलोरी ज़्यादा चली गई हैं या वो, तो गुड़ से कभी भी आपका आयरन टॉक्सिसिटी नहीं होती। और सेकेंड, नॉर्मल आयरन जब आप टैबलेट्स लोगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, सिरप ले लेंगे, टैबलेट ले लेंगे, कैप्सूल ले लें, कुछ भी ले लें, कॉन्स्टिपेशन का मसला आ जाता है, इससे कभी नहीं आएगा। आप कितना ही गुड़ ले लें उससे नहीं आएगा, जो खाना मैंने आपको बताया अगर आप लोहे के बर्तन में बनाएंगे कभी भी कॉन्स्टिपेशन का कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टूल का कलर भी चेंज नहीं होगा। तो इतने सारे फायदे हैं एक आयरन के बर्तन के, राइट? सो ये था आयरन के बारे में एक ओवरव्यू, एक जनरल आपको एक देने के लिए। मैं डिजीज़ फॉर्मेट को भी टच नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल कुछ वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ कि हमारे आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं
जिससे हमारा पूरा शरीर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वस्थ हो सकता है, और नेचर कुदरत के पास हम जितना रहेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।